हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फोर्थ चैप्टर, दैट इज़ आर्टिकल्स। यानी इस चैप्टर में हम आर्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ए, एन एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल्स। यानी ए, एन और द, इनको आर्टिकल्स कहा जाता है। एज अ जनरल रूल वी यूज द व्हेन इट इज़ क्लियर फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट विच पर्सन और थिंग वी मीन। जब हमको किसी इंसान की या किसी चीज़ के बारे में कंफर्मेशन होता है, पक्का होता है या पता होता है कि वो इंसान ख़ास है या वो चीज़ ख़ास है, उसके लिए इंडिकेशन के लिए हम द यूज़ करते हैं। वी यूज़ ए एन व्हेन वी डू नॉट रेफर टू एनी पर्टिकुलर पर्सन और थिंग। और हम ए और एन का यूज़ जब करते हैं जब हमें वो पर्सन या थिंग लगता है कि वो पर्टिकुलर नहीं है, वो ख़ास नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हियर इज़ एन एलिफेंट। ये एक एलिफेंट है। यहाँ पर एन इसलिए यूज़ हुआ है, ये इंडिकेट कर रहा है कि वो एलिफेंट जो है कोई भी एलिफेंट है, कोई ख़ास एलिफेंट नहीं है मेरे लिए वो। आई लाइक द बुक यू गेव मी। आई लाइक द बुक, मुझे वो किताब पसंद है यू गेव मी, जो किताब तुमने मुझे दी थी। तो यहाँ पर द का इंडिकेशन ये कहता है कि वो बुक इसलिए ख़ास है क्योंकि वो बुक तुमने मुझे दी थी। चलिए अब डेफिनेशन देख लेते हैं कि इनडेफिनिट आर्टिकल और डेफिनिट आर्टिकल्स की डेफिनेशन क्या होती है। ए और एन इज़ कॉल्ड द इनडेफिनिट आर्टिकल। ए और एन को इनडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं बिकॉज, क्योंकि इट लीव्स इनडेफिनिट द पर्सन और थिंग इज स्पोकन ऑफ। क्योंकि जो जिस पर्सन या जिस थिंग के बारे में हम बात कर रहे होते हैं वो इनडेफिनिट होता है, यानी कि आप उसके लिए श्योर नहीं होते हो। एज, जैसे कि अ डॉक्टर। अ डॉक्टर का मतलब एनी डॉक्टर, वो डॉक्टर कोई भी हो सकता है। डेफिनिट आर्टिकल, द इज़ कॉल्ड द डेफिनिट आर्टिकल। सिर्फ द को ही डेफिनिट आर्टिकल माना गया है। क्यों? बिकॉज इट पॉइंट्स आउट सम पर्टिकुलर पर्सन और थिंग्स। क्योंकि ये किसी इंसान या किसी चीज़ के बारे में पर्टिकुलरली बताता है, उसको खासियत उसकी बताता है कि वो क्यों स्पेशल है। एज, जैसे ही सॉ द डॉक्टर, उसने उस डॉक्टर को देखा, मीनिंग सम पर्टिकुलर डॉक्टर। यानी यहाँ पर अगर द लग गया है इसका मतलब हो सकता है वो अपने फैमिली डॉक्टर के बारे में बात कर रहा हो, लेकिन यहाँ पर जो एनी डॉक्टर था वो कोई भी डॉक्टर हो सकता है। इनडेफिनिट आर्टिकल ए और एन। ए और एन जैसे इनडेफिनिट आर्टिकल के बारे में हम पढ़ेंगे। यूज ऑफ ए एंड एन डिपेंड्स अपॉन द साउंड ऑफ द वर्ड इट प्रीसीड्स। प्रीसीड्स का मतलब पहले आने वाले जो भी वर्ड हैं उनके साउंड, उनके ध्वनि, उनके जो आवाज़ है उसके ऊपर ए और एन डिपेंड होते हैं। बिफोर अ वर्ड बिगनिंग विद अ वोवल साउंड एन इज़ यूज्ड। जिस भी शब्द का जो साउंड है वो अगर वोवल साउंड होता है तो उसको उस वर्ड से पहले एन यूज़ होता है। एज, जैसे कि जैसे एन एस, एन एनिमी, एन इंक पैड, एन ऑरेंज, एन अम्ब्रेला। यानी इन सबसे पहले एन लगा हुआ है क्योंकि जो वर्ड है वो एस है और एस का जो फर्स्ट वर्ड है वो आ प्रोनंसिएट हो रहा है। यहाँ पर वर्ड है एनिमी, एनिमी में फर्स्ट वर्ड ई है और ई प्रोनंसिएशन हो रहा है। यहाँ पर इंक पैड है तो ई प्रोनंसिएट हो रहा है। यहाँ पर ऑरेंज है तो ओ प्रोनंसिएट हो रहा है और अम्ब्रेला है तो आ प्रोनंसिएट हो रहा है। इसीलिए इन सारे वर्ड्स से पहले हमने आर्टिकल एन यूज़ किया है। द आर्टिकल ए इज़ यूज्ड बिफोर अ वर्ड बिगनिंग विद अ कॉन्सोनेंट साउंड। और आर्टिकल ए का यूज़ उस शब्द से पहले होता है जिसका साउंड कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा होता है,
जैसे कि अकार, यानी कि कार में का प्रोनंसिएशन हो रहा है, और जग, जग में जा का प्रोनंसिएशन हो रहा है, और पेन, पेन में पा का प्रोनंसिएशन हो रहा है, और बुक में बा का प्रोनंसिएशन हो रहा है। तो इसलिए इन सभी वर्ड्स से पहले हमने आ यूज़ किया हुआ है, यानी कि ए और एन जो हैं वो इनडेफिनिट आर्टिकल्स हैं। इट विल बी नोटिस्ड दैट आ इज़ यूज्ड बिफोर वर्ड्स लाइक अ यूनिवर्सिटी, अ यूनियन, अ यूरोपियन, अ ईव, अ यूनिकॉर्न, अ यूजफुल आर्टिकल। यानी कि ये देखा गया है कि ऐसे शब्द जो कि यू, यू, ई, यू, यू, इनसे स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद इनसे पहले आर्टिकल आ का यूज़ हो रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है? देखिए, दिस इज़ बिकॉज, ऐसा इसलिए है, दीज वर्ड्स, ये वर्ड्स जैसे कि यूनिवर्सिटी, यूनियन, यूरोपियन, ईव, यूनिकॉर्न, यूजफुल, ये जो भी शब्द हैं बिगिन विद अ कॉन्सोनेंट साउंड ऑफ यू। ये यू जो शब्द है, यू की आवाज़ निकाल रहे हैं, यानी कॉन्सोनेंट साउंड निकाल रहे हैं, इस वजह से इन शब्द से पहले आ यूज़ किया गया है। सिमिलरली वी से अ वन रुपी कॉइन, इसी तरह से हम कह सकते हैं अ वन रुपी कॉइन। यहाँ पर देखने में लग रहा होगा कि ओ यूज़ हो रहा है वर्ड के फर्स्ट अल्फ़ाबेट, लेकिन उसका प्रोनंसिएशन वा से हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर आर्टिकल आ का यूज़ होगा। सच अ वन आइड मैन, बिकॉज वन बिगिंस विद कॉन्सोनेंट साउंड ऑफ डब्लू या वा, यानी वन देखने में तो ओ से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन उसका प्रोनंसिएशन या उसका जो साउंड है वो वा से निकल रहा है, इसीलिए इससे पहले आर्टिकल आ यूज़ होगा। इट विल ऑल्सो बी नोटिस्ड दैट एन इज़ ऑफन यूज बिफोर द वर्ड्स बिगिन विद एच। ऐसा भी देखा गया है कि जो वर्ड, जो शब्द एच से शुरू होते हैं उनसे पहले एन आर्टिकल का यूज़ होता है। तो ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं बिकॉज एच इज़ साइलेंट इन दीज वर्ड्स, क्योंकि एच की आवाज़ ही नहीं आती है इन शब्दों में। आप गौर से देखेंगे तो एच ओ एन ओ यू आर ए बी एल ई, इसको हम हॉनरेबल नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि एच यहाँ पर साइलेंट हो जाता है, तो एच की जो आवाज़ है, जो हा है, वो साइलेंट हो जाती है, और फिर हम ओ वर्ड से पढ़ना इसको स्टार्ट करते हैं। दैट इज़ वाई हम इसको ऑनरेबल पढ़ते हैं। यहाँ पर एच ओ एन ई एस टी हॉनेस्ट नहीं होगा, क्योंकि एच यहाँ पर साइलेंट हो जाएगा, एच की साउंड नहीं आएगी, तो हम ओ से स्टार्ट करेंगे इसको, और इसको प्रोनंसिएट करेंगे ऑनेस्ट। सेम इसी तरह से और भी बहुत सारे वर्ड हैं जो एच से स्टार्ट होते हैं, लेकिन उसमें एच क्योंकि साइलेंट हो जाता है, तो एच के बाद आने वाला जो भी अल्फ़ाबेट है, हम उससे उस वर्ड को प्रोनंसिएट करना स्टार्ट करते हैं। यूज़ ऑफ द डेफिनेट आर्टिकल द। अब हम डेफिनेट आर्टिकल द के यूज़ के बारे में पढ़ेंगे। द डेफिनेट आर्टिकल द इज़ यूज्ड when we speak of a particular person or thing or one already referred to us, यानी already referred to us मतलब किसी ने अगर हमको पहले से ही उस चीज़ के बारे में बताया है या उस व्यक्ति के बारे में बताया है, तो वो हमारे लिए ख़ास हो गया है, अब हम उसको जानते हैं, हमारी नॉलेज में है कि वो चीज़ क्या है या वो इंसान कौन है, तो वहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। जैसे कि लेट्स गो टू द पार्क, चलो पार्क चलते हैं, यानी द पार्क वी यूजली गो, यानी वो पार्क जहाँ पर हम रोज़ाना जाते हैं। ऐसा तो नहीं कि आज हम किसी और पार्क में घूमने गए और कल किसी और पार्क में घूमने चले जाएं, ऐसा नहीं होता। आप जहाँ पर वॉकिंग करने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए जाते होंगे, तो एक ही पार्क में होंगे, आपका वो फिक्स्ड पार्क होगा, वो फिक्स प्लेस होगा। द बुक यू वॉन्ट इज़ आउट ऑफ प्रिंट, वो किताब जो तुम्हें चाहिए वो आउट ऑफ प्रिंट है, वो अभी प्रिंट नहीं हुई है जो किताब तुम्हें चाहिए। आई डिसलाइक द फेलो, मैं उस आदमी को पसंद नहीं करता हूँ। अब द फेलो उस आदमी, जो भी व्यक्ति है वो, जिसको आप पसंद नहीं करते हैं, तो आप उसको जानते होंगे कि वो कैसा है, वो कितना बुरा है या क्यों बुरा है, इसीलिए तो आप उसको डिसलाइक कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप
द यूज़ करेंगे। व्हेन अ सिंगुलर नाउन इज मीन टू रिप्रेजेंट अ होल क्लास, और जब कोई एक नाउन किसी एक पूरी की पूरी क्लास के बारे में, उसकी पूरी की पूरी जो कम्युनिटी है उसको इंडिकेट करने की, उसको इंडिकेशन देने के लिए द यूज़ होता है। द काउ इज़ अ यूजफुल एनिमल, तो गाय यहाँ पर एक कहा गया है कि गाय एक उपयोगी जानवर है। तो ऐसा तो नहीं कि एक ही काउ यूज़फुल होगी बाकी काउ यूज़फुल नहीं होंगी, तो क्योंकि पूरी कम्युनिटी, पूरी काउ कम्युनिटी को इंडिकेट करना है तो इसलिए यहाँ पर द आर्टिकल यूज़ किया जाएगा। या फिर हम इसको ये भी कह सकते थे कि काउज आर यूज़फुल एनिमल्स, लेकिन काउज आर यूज़फुल एनिमल्स से ज़्यादा सुटेबल द काउ है। द बेनियन इज़ अ काइंड ऑफ अ फिग ट्री, ठीक है, कि जो बरगद का पेड़ है वो एक तरह का फिग ट्री है, लेकिन हम इसको ये नहीं कह सकते हैं अ काइंड ऑफ फिग ट्री, दिस इज़ अ कॉमन एरर, ये एक कॉमन एरर होता है जो कि आप ग्रामर में आगे पढ़ेंगे। विद नेम्स ऑफ गल्फ्स, रिवर्स, सीज, ओशियंस, ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स एंड माउंटेन्स रेंजेस, और नदी, समुद्र, और अगर द्वीप के द्वीप समूह हैं या फिर पर्वत हैं, पर्वत श्रृंखलाएं हैं, उनके नाम से पहले द यूज़ होता है। द पर्शियन गल्फ, द गंगा, द रेड सी, द ब्रिटिश आइजल्स, द अंडमान, द इंडियन ओशियन, अब इन सब से पहले द लगाएंगे, यानी जहाँ पे वो इंडिकेशन होता है, कंफर्मेशन होता है और जब पता होता है कि ये चीज़ ख़ास है, आप उस नाउन से पहले द यूज़ करेंगे। बिफोर द नेम्स ऑफ बुक्स, किताबों के नाम से पहले भी आप द यूज़ करेंगे, जो किताबें इम्पॉर्टेंट हों, जो ख़ास हों, किसी भी किताब का अगर नाम आता है तो आप उससे पहले द का यूज़ करेंगे। द वेदास, द पुराण्स, द इलियाड, द रामायण, आप उनसे पहले लगाएंगे। लेकिन अगर उस बुक के राइटर का नाम अगर उससे पहले आ रहा है तो आप बीच में द नहीं लगाएंगे, जैसे होमर्स इलियाड, होमर्स जो हैं वो इलियाड के ऑथर हैं, तो आप होमर्स द इलियाड नहीं लगा सकते, दिस इज़ अ कॉमन एरर इन इंग्लिश ग्रामर। वाल्मीकिज़ रामायण, तो क्योंकि वाल्मीकि जो हैं वो राइटर हैं रामायण के, इसलिए आप यहाँ पर द नहीं लगा सकते, बट अगर रामायण सिंपली अगर इंडिकेट हुआ है तो उससे पहले आप द लगाएंगे ही लगाएंगे। बिफोर कॉमन नाउन्स विच आर नेम्स ऑफ थिंग्स यूनिक ऑफ देयर काइंड, यानी उन कॉमन नाउन से पहले आप द लगाएंगे जो अपने आप में यूनिक हैं, अनोखे हैं, जिनको चेंज नहीं किया जा सकता है, जो पहले भी ऐसे ही थे और हमेशा वैसे ही रहेंगे, उनको आप चेंज नहीं कर सकते, वो यूनिक हैं, जैसे कि द सन, द मून, द स्काई, द अर्थ, यानी आप इन चीज़ों को कुछ चेंज नहीं कर सकते, ये अपने आप में यूनिक हैं, अनोखे हैं, इसीलिए इनसे पहले द का यूज़ होगा। बिफोर अ प्रॉपर नाउन, ओनली व्हेन इट इज़ क्वालिफाइड बाय एन एडजेक्टिव और अ डिफाइनिंग एडजेक्टिवल क्लॉज एज, एक प्रॉपर नाउन से पहले भी द आ सकता है, लेकिन उसकी कंडीशन ये है कि उससे पहले एक एडजेक्टिव आया हुआ हो, जैसे कि द ग्रेट सीज़र है, यहाँ पर जो प्रॉपर नाउन है वो सीज़र है, ठीक है, लेकिन क्योंकि उससे पहले एडजेक्टिव लगा हुआ है ग्रेट, इसलिए यहाँ पर आपको द यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ द इमोर्टल्स, इमोर्टल्स शेक्सपियर है, तो शेक्सपियर जो है वो प्रॉपर नाउन है, ठीक है, लेकिन अगर उससे पहले एडजेक्टिव इमोर्टल लगा हुआ है तो आपको द यहाँ पर लगाना पड़ेगा। आप द शेक्सपियर नहीं कर सकते, आप आ शेक्सपियर करते या सिर्फ शेक्सपियर करते, आप वहाँ पर आ भी ना लगाते, शेक्सपियर करते, लेकिन क्योंकि शेक्सपियर की क्वालिटी यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है कि वो इमोर्टल है, अमर है, तो क्योंकि ये एडजेक्टिव है इसलिए इससे पहले द यूज़ किया गया है। द मिस्टर रॉय हुम यू मेट लास्ट नाइट इज़ माई अंकल, यानी वो मिस्टर रॉय, यानी वहाँ पर बहुत सारे मिस्टर रॉय होंगे, लेकिन वो मिस्टर रॉय
जिनको तुम मिले थे पिछली रात वो मेरे अंकल थे, वो मेरे अंकल हैं। विद सुपरलेटिव्स एस, और एडजेक्टिव की जो तीन डिग्रीज होती हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, तो सुपरलेटिव्स या सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा द का यूज़ होता है, जैसे द डार्केस्ट और द बेस्ट, यानी डार्केस्ट डार्क का सुपरलेटिव है और बेस्ट गुड का सुपरलेटिव है। बिफोर एन एडजेक्टिव व्हेन द नाउन इज अंडरस्टूड एज, और आप उस एडजेक्टिव से पहले द यूज़ करेंगे जहाँ पर नाउन जो है वो अंडरस्टूड हो, यानी नाउन के बारे में समझाया जा रहा हो, उसकी क्वालिटी बताई जा रही हो। जैसे कि द पुअर आर ऑलवेज विद अस, कि गरीब हमेशा हमारे साथ हैं, तो यहाँ पर जो उनकी खासियत है कि वो फेथफुल हैं, जो पुअर्स हैं वो फेथफुल हैं, उनकी क्वालिटी बताने की कोशिश की गई है, क्योंकि एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड जो आपको क्वालिटी बताता है नाउन की। तो यहाँ पर नाउन है पुअर, लेकिन उसकी क्वालिटी बताने की कोशिश की गई है कि वो लॉयल हैं, वो फेथफुल हैं, इसीलिए वो हमेशा हमारे साथ हैं, तो इसीलिए पुअर से पहले द का यूज़ किया गया है। यूज़ ऑफ द इनडेफिनिट आर्टिकल ए एन, अब अभी तक हम डेफिनेट आर्टिकल द के यूज़ के बारे में पढ़ रहे थे, अब हम इनडेफिनिट आर्टिकल ए और एन के बारे में पढ़ेंगे। तो ए और एन का यूज़ फर्स्टली होता है इन इट्स ओरिजिनल न्यूमेरिकल सेंस ऑफ वन, अगर हमें किसी न्यूमेरिकल सेंस यानी वन के लिए इंडिकेट करना है, जैसे कि वेट अ मिनट, तो कितनी देर इंतज़ार करना है, एक मिनट। अ बर्ड इन द हैंड इज़ वर्थ टू इन द बुश, कि अगर झाड़ी में हमने चिड़िया, एक हाथ में चिड़िया पकड़ने का जो कीमत है वो लगभग झाड़ी में अगर हमने वही चिड़िया पकड़ी है तो वो दो के बराबर है, यहाँ पर इस सेंटेंस का मतलब ये है। लेकिन अ बर्ड का यहाँ पर इंडिकेशन है एक चिड़िया, और यहाँ पर देखिए टू लिखा हुआ है, तो आप ऑलरेडी समझ सकते हैं कि अ यहाँ पर वन के सेंस में कहा गया है। इन द वेग्यू सेंस ऑफ अ सर्टेन, सर्टेन मीन्स निश्चित, अगर किसी तरह निश्चित बात के लिए, निश्चित सेंस के लिए अगर कहा जा रहा है, तो कभी कभी आ वहाँ पर यूज़ होता है। वन इवनिंग अ बेगर केम टू माई डोर, एक शाम को एक भिखारी मेरे घर के दरवाजे पर आया या मेरे दरवाजे पर आया, तो वहाँ पर ये सेंस होता है कि एक भिखारी आया, यानी अ बेगर आया, और कोई नहीं आया था, वो कन्फर्मेशन दे रहे हैं कि भिखारी ही था, वो कोई प्लम्बर नहीं था, इलेक्ट्रीशियन नहीं था या और कोई नहीं था, वो बेगर ही था। तो इस सेंस में भी अ यूज़ किया जाता है। इन द सेंस ऑफ एनी, अगर वहाँ पर सेंस कोई भी हो जाए, टू सिंगल आउट एन इंडिविजुअल एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ क्लास, अगर कोई भी है, एनी मीन्स कोई भी है, लेकिन अगर उसको सिंगल इंडिविजुअल दिखाना हो, अकेला ही अगर पूरी जो क्लास है, जो पूरी कम्युनिटी है उसको रिप्रेजेंट कर रहा हो, तो आ यूज़ करते हैं। जैसे कि आ प्यूपिल शुड ओबे हिज टीचर, यानी एक प्यूपिल मीन्स शिष्य को अपने अध्यापक का आज्ञाकारी होना चाहिए, तो यहाँ पर आ प्यूपिल जो है वो रिप्रेजेंटेटिव है बाकी सारे प्यूपिल्स का, यानी जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सबको रिप्रेजेंट कर रहा है वो एक प्यूपिल। तो ये बात कही गई है कि एक जो शिष्य है उसको अपने गुरु का आज्ञाकारी होना चाहिए, तो यहाँ पर प्यूपिल का क्योंकि रिप्रेजेंटेशन देना है इसलिए यहाँ पर आर्टिकल आ यूज़ होगा। टू डिस्क्राइब समबडी और समथिंग, समबडी मीन्स किसी इंसान और समथिंग मीन्स अगर कोई चीज़ है, और टू से व्हाट समबडीज जॉब इज़, या फिर हम किसी की जॉब के बारे में या किसी के जो काम है उसके बारे में अगर डिस्क्राइब करते हैं तो आर्टिकल अ यूज़ होता है। जैसे ही इज़ अ क्लेवर बॉय, तो हमने उसकी क्वालिटी का क्या बताया है कि वो एक चालाक लड़का है, यहाँ पर हम ही इज़ द क्लेवर बॉय नहीं लगा सकते। दिस इज़ अ यूज़फुल बुक, वो किताब कैसी है, अ यूज़फुल है। माई आंट इज़ अ डॉक्टर, यानी मेरी जो आंटी हैं उनका प्रोफेशन क्या है, शी इज़ अ डॉक्टर, तो यहाँ पर आर्टिकल आ यूज़ किया जाएगा। टू मेक अ कॉमन नाउन अ प्रॉपर नाउन,
एक कॉमन नाउन को अगर प्रॉपर नाउन बनाते हैं, तो कॉमन नाउन को प्रॉपर नाउन बनाने के लिए उस नाउन से पहले आ यूज़ किया जाता है, जैसे कि अ डेनियल कम टू जजमेंट। तो अ डेनियल जो है वो एक फ्रेज़ है जिसका मतलब होता है वेरी वाइज मैन, बहुत अकलमंद आदमी। तो अ डेनियल कम टू जजमेंट यानी अकलमंद आदमी जो है वो अब निर्णय देने के लिए या निर्णय देने की राह पर है या निर्णय देने वाला है, आप इसको ऐसे कह सकते हैं। तो डेनियल अगर सिर्फ होता तो वो यहाँ पर नाउन होता, लेकिन अब क्योंकि आप कॉमन था, डेनियल कोई भी हो सकता है, लेकिन अब हम उसको प्रॉपर नाउन बना रहे हैं तो उससे पहले हमने ए लगा दिया है, तो अब ये आर डेनियल मीन्स कि अब वो एक खास आदमी हो गया है। ओमिशन ऑफ द आर्टिकल, ओमिशन मीन्स होता है कि आर्टिकल को कब हटा दिया जाता है, कब हमें आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि हर नाउन के आगे हमको डेफिनेट या इनडेफिनेट इंडिकेट करके आर्टिकल लगाना ही है, कुछ जगह पर आर्टिकल की ज़रूरत ही नहीं है, तो उसको कहते हैं कि ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स, यानी आर्टिकल को कब नहीं लगाना है। द आर्टिकल इज़ ओमिटेड, ओमिटेड मीन्स हटा दिए जाते हैं, बिफोर नेम्स ऑफ सब्सटेंसेस एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, यानी अनकाउंटेबल जो भी नाउन हैं जिनको आप गिन नहीं सकते हो, ऐसी चीज़ें, सब्सटेंसेस मीन्स ऐसी चीज़ें और एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो अनकाउंटेबल है जिनको आप गिन नहीं सकते इन जनरल सेंस में, जैसे कि मिल्क है, आप उसको गिन नहीं सकते, ठीक है। तो उसमें मिल्क से पहले आ मिल्क या दा मिल्क नहीं आएगा, सिर्फ मिल्क आएगा। शुगर इज़ बैड फॉर योर टीथ, अब यहाँ आप दा या आ शुगर नहीं लगा सकते क्योंकि शुगर जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है। गोल्ड इज़ अ प्रीशियस मेटल, गोल्ड जो है वो अनकाउंटेबल है। आप ये सोच रहे होंगे कि गोल्ड को 1 कैरेट 1 तोले 2 तोले में तौल दिया जाता है, वो चीज़ अलग है, लेकिन आप काउंट नहीं कर सकते, एक एक सोना, 2 सोना, इस तरह से। विजडम एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, शुगर और गोल्ड देखिए दोनों मटेरियल नाउन थे, अनकाउंटेबल नाउन थे, तो अगर मटेरियल नाउन थे, लेकिन विजडम और ऑनेस्टी ये दोनों जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है यानी फीलिंग्स हैं। विजडम इज़ द गिफ्ट ऑफ हेवन, यानी जो अकलमंदी है वो स्वर्ग का उपहार है। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी पॉलिसी है। तो इन शब्दों से पहले आर्टिकल नहीं लगाया जाता। बिफोर प्लूरल काउंटेबल नाउन्स, जो काउंटेबल नाउन्स अगर प्लूरल फॉर्म में हैं तो जनरल सेंस में उनसे पहले ए एन द यानी आर्टिकल्स का यूज़ नहीं करते, जैसे चिल्ड्रन लाइक चॉकलेट्स, बच्चों को चॉकलेट पसंद है, तो यहाँ पर सभी बच्चों को चॉकलेट्स पसंद होंगी, तो द और एन ए लगाने की ज़रूरत नहीं है। कंप्यूटर्स सेव टाइम, कंप्यूटर समय की बचत करते हैं, तो जनरली हर कंप्यूटर ऐसा करता है, तो पूरे जो कंप्यूटर्स हैं उनको जनरल सेंस में, क्योंकि काउंटेबल नाउन्स हैं और प्लूरल्स हैं, इसलिए वहाँ पर आर्टिकल यूज़ नहीं करने। नोट है दैट सच नाउन्स टेक द, वहाँ पर द का यूज़ करते हैं वैन विद अ पर्टिकुलर मीनिंग, अगर कोई खास अर्थ वहाँ पर दर्शाया जा रहा है, जैसे कि वेयर आर द चिल्ड्रन, कि बच्चे कहाँ हैं, तो यहाँ पर द चिल्ड्रन का मतलब है अवर चिल्ड्रन, हाँ हमारे बच्चे, यानी वो बच्चे जिन जो हमारे साथ घर में रहते हैं, वो बच्चे कहाँ हैं। बिफोर नेम्स ऑफ मील्स यूज इन जनरल सेंस, जनरल सेंस में जो मील्स है, जो खाना है, उससे पहले आर्टिकल का यूज़ नहीं होता। डिनर इज़ रेडी, रेडी है, वॉट टाइम डू यू हैव लंच, आप किस वक्त पर लंच करते हो, तो क्योंकि डिनर और लंच दोनों मील हैं, इससे पहले आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है। बिफोर नेम्स ऑफ लैंग्वेजेस, भाषाओं के नाम से पहले द आर्टिकल या ए एन कोई भी आर्टिकल है, डेफिनेट या इनडेफिनेट, उसका यूज़ नहीं किया जाता। वी आर लर्निंग इंग्लिश, आई नो तमिल, तो आप इंग्लिश और तमिल से पहले आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। बिफोर स्कूल, कॉलेज, चर्च, हॉस्पिटल, प्रिजन एंड बेड, वैन वी थिंक अबाउट द मेन पर्पज ऑफ द प्लेस, जब हम किसी जगह के जो मेन पर्पज़ है वो जगह,
क्यों खास है, उसका क्या उद्देश्य है, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है। अगर हम इम्पोर्टेंस उस जगह की, उस प्लेस की इंडिकेट करना चाहते हैं तो भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होता। जैसे ही गोज़ टू स्कूल रेगुलरली, तो स्कूल किस लिए जाता है? जनरली स्टडी के लिए जाता होगा। वी गो टू चर्च ऑन संडेज, तो हम संडे को चर्च जाते हैं, किस लिए जाते हैं? टू प्रे। यानी यहाँ पर पर्पस इंडिकेट अगर जिस प्लेस के साथ हो रहा है तो उस प्लेस से पहले आर्टिकल यूज़ नहीं किया जाता। शी हैज़ गॉन टू हॉस्पिटल, वो हॉस्पिटल गई है किस लिए? ऑब्वियसली फॉर ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट के लिए गई है। ही वॉज सेंट टू प्रिजन फॉर थेफ्ट, उसको चोरी के लिए जेल भेजा गया है। क्यों भेजा गया है, उसका क्या पर्पज़ है, रीज़न क्या है? एज ए पनिशमेंट, क्योंकि ये एक पनिशमेंट है। वॉट टाइम डू यू गो टू बेड, तुम किस समय सोने के लिए जाते हो? तो बेड पर किस लिए जाते हैं? सोने के लिए जाते हैं। तो यहाँ पर अगर पर्पज़ उस प्लेस से इंडिकेट करना है तो वहाँ पर ओमिशन ऑफ आर्टिकल होगा, यानी आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाएगा। बिफोर मोस्ट प्रॉपर नाउन्स एक्सेप्ट दोज रेफर टू अर्लियर, यानी जो पहले आपको आर्टिकल में स्टार्टिंग में डेफिनेट आर्टिकल यूज़ करने के लिए बताया गया था, उन प्रॉपर नाउन्स के अलावा जितने भी हैं, जैसे कि नेम्स ऑफ पीपल, अगर किसी इंसान का नाम है जैसे कि अब्दुल है, राधा है, इनसे पहले आर्टिकल यूज़ नहीं करते। नेम्स ऑफ कंटिनेंट्स, कंट्रीज, सिटीज़, जैसे कि यूरोप है, श्रीलंका है, मुंबई है, इनके नाम से पहले आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाता। नेम्स ऑफ इंडिविजुअल माउंटेंस, अगर कोई माउंटेन इंडिविजुअल है उसकी बारे में बात किए जा रहे हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड, तो यहाँ पर माउंट एवरेस्ट से पहले द यूज़ नहीं करेंगे आप। इंडिविजुअल आइलैंड अगर, और लेक्स, यानी कोई एक अकेला आइलैंड या लेक के बारे में बात कर रही है तो वहाँ पर आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाएगा। इन सर्टेन फ्रेजेस कंसिस्टिंग ऑफ अ ट्रांजिटिव वर्ब फॉलोड बाय इट्स ऑब्जेक्ट एज टू कैच फायर, टू टेक बाथ, यानी अगर एक ट्रांजिटिव वर्ब है और वो अगर एक फ्रेज बना रही है और ऑब्जेक्ट के साथ अगर उसको यूज़ किया जा रहा है तो वहाँ पर दोनों के बीच में कभी भी आर्टिकल नहीं आता। जैसे कि यहाँ पर फ्रेज बन रहा है टू कैच फायर, टू कैच फायर एक फ्रेज है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनी है फायर और ट्रांजिटिव वर्ब है टू कैच, तो टू कैच द फायर नहीं आएगा, टू टेक अ बाथ या टू टेक अ ब्रीथ नहीं आएगा, टू गिव बैटल आएगा, टू गिव अ बैटल नहीं आएगा, क्योंकि बैटल जो है वो ऑब्जेक्ट है फॉलोड बाई जो ट्रांजिटिव वर्ब है टू गिव, इसलिए। सेम सेंस में ये सारे एग्जांपल हैं, टू कास्ट एंकर, टू सेंड वर्ड, टू ब्रिंग वर्ड, टू ले सीज, टू सेट सेल, टू लॉज हर्ट, टू सेट फूट, टू लर्न होम, टू लीव होम, सॉरी, टू टेक ऑफेंस, ये सारे ऐसे फ्रेज हैं जिनमें ट्रांजिटिव वर्ब जो है वो लगाई गई है ऑब्जेक्ट से पहले। यानी इस रूल का मतलब ये है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट से पहले अगर ट्रांजिटिव वर्ब यूज़ हो रही है तो उन दोनों के बीच में कभी भी आर्टिकल यूज़ नहीं किया जाएगा। इन सर्टेन फ्रेजेज, और कुछ ख़ास फ्रेजेज में जिसमें प्रीपोजिशन उस ऑब्जेक्ट से पहले आई हो, अ प्रीपोजिशन फॉलोड बाय इट्स ऑब्जेक्ट, फॉलोड बाय इट्स ऑब्जेक्ट, यानी उस ऑब्जेक्ट से पहले अगर प्रीपोजिशन आई हो तो उनमें आर्टिकल का यूज़ नहीं करते। जैसे एट होम, तो यहाँ पर एट जो है वो प्रीपोजिशन है और होम जो है ऑब्जेक्ट है, तो इसमें एट द होम, एट अ होम नहीं आएगा। इन हैंड, इन डेप्ट, बाई डे, ये सारे के सारे जितने भी वर्ड हैं इन सब सारे ऑब्जेक्ट से पहले, क्योंकि प्रीपोजिशन आया है इसीलिए इनसे पहले आर्टिकल यूज़ नहीं होगा। सो हियर वी फिनिश्ड फोर्थ चैप्टर, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।